चलिए निमसेट के एक नए टॉपर से मिलते हैं, ऋषभ राज से, जिनकी रैंक ऑल इंडिया 308 है, जो कि दिल्ली से रहने वाले हैं। तो ऋषभ, सबसे पहले 308 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऋषभ, क्योंकि आपकी रैंक 308 है, बहुत अच्छी रैंक अचीव की, आप दिल्ली के हैं, आपने ड्रॉप भी लिया था, आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं। अक्सर बच्चे जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो बोलते हैं, सर लास्ट ईयर हम जूनियर जब सीनियर के देखते थे तो हमें भी लगता था आपके साथ एक इंटरव्यू दें, आज वो दिन आ गया। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, किस ढंग से आपने कब निमसेट के लिए सोचा, फिर कैसे पढ़ाई की, होल ईयर किस ढंग से आपने प्रिपरेशन की, क्या आपकी सक्सेस जर्नी है? तो मैं निमसेट के लिए मैंने कॉलेज के टाइम पे सोचा था। मैं सेकंड ईयर में था, मैं बीएससी ओके मैंने डी करी थी कंप्यूटर साइंस में, तो मेरे को कंप्यूटर में तो पहले से थोड़ा इंटरेस्ट था, तो इसलिए ठीक मैंने फिर सोचा कि एमसी के लिए। फिर मैं कॉलेज वगैरह देखा था, तो उससे मेरे को पता चला था कि निमसेट का एग्जाम होता है जो ठीक एनआईटी में है एडमिशन था। ठीक तो है एनआईटी में तो जाने का सबको सर सबका सपना होता है स्टार्टिंग से ही, जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक मेरे को भी है लगा कि सर चाहिए, तो फिर मैंने 23 में पेपर दिया था। तो उस टाइम पर मैंने कुछ ज्वाइन नहीं किया था, कोचिंग वगैरह ना टेस्ट की थी, बस सेल्फ प्रिपरेशन से किया था। तो 1400 के अराउंड रैंक आई थी। तो फिर उसी से फिर घर पे मैंने बात करी कि इस बार तो हुआ नहीं, इसमें एनआईटी के लिए ड्रॉप ले सकता हूँ। तो घर वाले तो मेरे आसानी से रेडी थे, ठीक उन्होंने है बोला मैंने सर फिर इसीलिए। फिर मैं कोचिंग वगैरह देख रहा था, मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो पहले भी देखी थी, तो मेरे को आपको पढ़ाने का सर बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने फिर रिपीट अटेम्प्ट किया, आपकी सारी वीडियोज वगैरह देखी, क्लासेस ली, ऐसे ही दी, ऐसे फिर रैंक इम्प्रूव होती गई और पेपर ऐसे अच्छे चला गया। वेरी गुड, आज आपकी खुशी से ही दिख रहा है, आप इतने खुश हैं, आपकी मेहनत रंग लाई। और दूसरा ये कि लास्ट ईयर की रैंक से आपने एकदम से बूस्टअप भी किया। तो ऋषभ, जब आपने ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेके आपने साल भर पढ़ाई की, तो कहीं पे कोई स्ट्रेस हुआ, कहीं कुछ ऐसा लगा कि मैंने ड्रॉप क्यों लिया, या मेरा डिसीजन सही है गलत है, इस तरह के कोई थॉट आते थे आपके दिल में? ये सर बीच में कभी कभी ऐसा लगता था कि सर ये अगर इस बार नहीं होता फिर क्या होगा, पर फिर आपकी वीडियो भी स्पेशल सेशन कभी कभी आते थे, थोड़ा मोटिवेट करते थे, घर वाले भी मोटिवेट करते थे, उन्होंने भी कभी प्रेशर आने नहीं दिया था, फिर वो हो जाता था नॉर्मल। बिल्कुल सही है। तो ऋषभ, ये बताओ, एग्जामिनेशन हॉल में आपका, जब आप एग्जाम दे रहे थे, हर साल जब बच्चे पेपर देते तो कई बार कुछ ना कुछ प्रेशर लेते, तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्या माइंडसेट था? सर वो तस्वीर जो मैंने आपकी दी थी उसमें हमको टाइम मैनेजमेंट करना था, आपने सर सिखाया दिया था पहले ही कि पेपर किस तरीके से देना है, राउंड वन में पहले इजी क्वेश्चन देखो, उसके बाद फिर हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाओ। तो वैसे ही मैं कर रहा था, बट तब भी थोड़ा बहुत मैथ्स में सर थोड़ा पैनिक हो गया था बीच में, इसमें दो तीन ओके क्वेश्चन मैंने रिपीट उस चेक कर लिया था, जिस हिसाब से मेरे को लग रहा है थोड़ा रैंक बूस्ट हो सकती हो गया, वरना हो जाता बस। चलो कोई बात नहीं, अभी भी बहुत अच्छा हुआ। तो ऋषभ, आपको अपने जूनियर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जूनियर स्किल तो यही है, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो और आप अगर उसके लिए मोटिवेटेड हो तो वो वर्थ इट होगा, बिल्कुल होगा सर, अगर अच्छे से करेंगे तो। गुड, तो चलो ऋषभ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप ऐसे ही एनआईटी में भी जाके बेस्ट परफॉर्म करें और अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बहुत ग्रो करें। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।